पंजाब के जालंधर देहात की थाना भोगपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर बटाला राजमार्ग पर 70 किलोमीटर पीछा करके जग्गू भगवान बुरिया गैंग के 4 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। एसएसपी देहात हर कमल प्रीत सिंह खक की अगुवाई में भोगपुर पुलिस ने इंटरसिटी ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की। आरोपियों से 1 रिवॉल्वर, 2 पिस्तौल, 1 ग्लॉक पिस्तौल 9 mm, 4 कारतूस और 2 वाहन बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी खक ने बताया कि पुलिस ने गैंगस्टर्स का बटाला तक पीछा किया और आरोपियों को पकड़ लिया। एसएसपी ने बताया कि 23 जुलाई को बटाला के गांधी कैब में सरबजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मामले की जांच में पता चला कि जर्मनी में बैठे अमन अंडा के साथ उनके संबंध हैं, वहीं गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया के साथ उसके संबंध हैं और वो सोशल मीडिया पर लड़ाई की पोस्ट शेयर करके पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जांच में पता चला कि आरोपी जालंधर में रह रहे थे, इसमें से एक व्यक्ति जालंधर ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस ऑपरेशन को जर्मनी स्थित अमन अंडा चला रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि अमन अंडा पंजाब में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए इंटरनेशनल कनेक्शंस का यूज कर रहा है।